अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? ठीक है। माय नेम इज अब्दुल्ला खटक, आई एम नाउ अ सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। एज यू ऑल नो, इस साल नेशनल एमडी कैट हुआ था। वैसे तो प्रीवियसली हर प्रोविंस का अलग एम कैट होता था या एमडी कैट होता था, लेकिन दिस ईयर इट वाज द सेम फॉर एवरीवन। तकरीबन एक हफ्ते पहले इस टेस्ट का रिजल्ट आया एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द पीपल हु स्कोर्ड गुड। आई होप यू स्कोर्ड व्हाट यू वांटेड टू स्कोर एंड आई होप यू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल पर्सनली जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनका स्कोर वो नहीं आया होगा जो आप डिजायर कर रहे थे, और मुझे पता है कितना डिप्रेसिंग होता है। अम्मी अबू बातें सुना रहे होते हैं, यार तुमसे एक काम नहीं होता, एक टेस्ट तुमसे पास नहीं होता। फिर एग्जांपल्स दे रहे होते हैं खानदान में और लोगों की, फलाने की बेटी ने, बेटे ने जो है इतना स्कोर कर लिया है, फलाने का एडमिशन केएमसी में हो गया है, फलाने का एडमिशन किंग एडवर्ड में हो गया है। तो मुझे पता है कितनी बातें सुनने को मिलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जब पिछले साल जो है टेस्ट दिया था, उस वक्त ईटा होता था केपीके का, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था मैंने बस इतना पढ़ना है कि मेरा टेस्ट पास हो जाए ताकि मेरा एक्यू में एडमिशन हिंडर ना हो। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने कहा मैं इस साल जो है एक्यू के लिए सिर्फ ट्राई करूंगा, अगर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ कहीं और मैं अप्लाई करूंगा नेक्स्ट ईयर। दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू, बट दैट इज व्हाट आई डिड। तकरीबन दो हफ्ते मैंने पढ़ा था एमकैट के लिए और मेरे 129 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। दैट मींस आई बेयरली पास्ड। 120 रिक्वायर्ड थे पासिंग के लिए, मेरे 129 आए थे। तो मुझे अम्मी अबू से सही बातें सुनने को मिली थी, यार तुमने अच्छा स्कोर नहीं किया, अभी तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, साल जाया होगा, ये होगा वो होगा। मेरी अम्मी अबू के साथ लड़ाई चल रही थी इसी बात पे कि मेरा कॉल लेटर आ गया, मेरा एडमिशन लेटर आ गया एक्यू से, फाइल आ गई, ठीक है कि आप आ जाएं। तो मैंने कहा ये लें, एडमिशन हो गया, ठीक है। दैट वाज अ वेरी सैवेज मोमेंट, बट द पॉइंट इज अगर मेरा एडमिशन खुदा ना खास्ता एक्यू में ना होता तो मेरा प्लान भी था गैप ईयर लेने का। तो सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि यार इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मेरे साथ हो चुका है, इतने ज्यादा लोग मैं जानता हूँ जिनके साथ हो चुका है, इट्स नथिंग टू गेट डिप्रेस्ड अबाउट। अम्मी अबू यार कब तक तुम्हें बातें सुनाएंगे, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता, दो हफ्ते, एंड देन इट्स गोना बी नॉर्मल अगेन। तो प्लीज डू नॉट लेट दिस गेट टू यू। मुझे पता है बहुत डिप्रेसिंग टाइम होता है, बहुत लोग जो है सुसाइडल हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट, हैव गुड फ्रेंड्स, सपोर्टिव फ्रेंड्स, एंड डोंट लेट दिस गेट टू यू। अच्छा, टेस्ट रिजल्ट तो आ गया, अच्छा स्कोर नहीं किया, दैट इज इन द पास्ट, ठीक है। अभी आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, देर इज नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग अ गैप ईयर। स्पेशली इस साल जिन लोगों ने टेस्ट दिए उनको तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह किया विद द होल कोविड सिचुएशन गोइंग ऑन। 10 दफा तो मुझे पता है कि टेस्ट डिले हुए, कितना मेंटल प्रेशर बंदे पे होता है, बंदा कहता है बस हो जाए यार टेस्ट, कल हो जाए, लेकिन हो जाए। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इसको हैंडल किया एंड आई हैव नो आइडिया हाउ आई वुड हैव हैंडल्ड इट। तो props to you, ठीक है। एंड नाउ गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, यू बीन स्टडिंग कंजेकेटिवली फॉर सो मेनी मंथ्स। तो अपने को आराम से दो तीन हफ्ते, एक महीने की ब्रेक दें, चिल करें, और उसके बाद जो है आगे का सोचें। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन ये होगा कि आप इस गैप ईयर का इस्तेमाल करें टू स्टडी अगेन फॉर द एमडी कैट और अगले साल आप दोबारा टेस्ट दें। आई सपोर्ट यू, इफ दैट इज समथिंग यू वांट टू डू तो जरूर इसको करें। मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस ये दूंगा कि डोंट वेट टिल द एंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम के 3 महीने रह जाते हैं तब तैयारी शुरू करते हैं। अभी से स्टार्ट करें आफ्टर योर ब्रेक, ऑब्वियसली 2-3 हफ्ते ब्रेक ले लें आराम से, जितने भी आपको टाइम चाहिए टू गिव योर ब्रेन अ लिटिल रेस्ट, उसके बाद जो है आप स्टार्ट करें। मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी नियर पीयर का जिक्र किया, बिकॉज आई ऑनेस्टली थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। उनका एक अर्ली प्रिपरेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है ओनली फॉर ₹15,000। तो अगर आपने उसको भी चेक करना है, चेक द डिस्क्रिप्शन, डेमो लेक्चर्स वगैरह पहले देखें डेमो, इफ यू लाइक इट देन यू कैन बाय द कोर्स। अभी भी जो है कोविड चल रहा है तो मेरे ख्याल में अकेडमीज वगैरह जाना अभी भी इम्पॉसिबल होगा, सो ऑनलाइन नियर पीयर इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। ऑप्शन नंबर टू, यू एक्सप्लोर अदर फील्ड्स, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के माँ बाप इस बात को कभी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं मेडिकल ही करना है तुमने। उन माँ बाप को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मेडिकल अगर आपने खुद नहीं किया तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स पैशन। अनलेस यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू आर गोना गेट डिप्रेस्ड। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस की स्टोरीज आप हमेशा सुनते हैं, मेडिकल कॉलेज में किसी ने सुसाइड कर ली, एंड दैट इज बिकॉज देयर इज सो मच प्रेशर एंड दैट इज समथिंग दे डू नॉट वांट टू डू। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे मेडिकल एनफोर्स ना करें। मैं खुद मेडिकल कर रहा हूँ, मुझे पता है इट्स रियली डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन। अगर आप पैशनेट नहीं हो, यू वुडंट वांट टू स्टडी, व्हाई वुड यू वांट टू स्टडी समथिंग यू आर नॉट पैशनेट अबाउट, ठीक है। तो प्लीज़ लेट योर चिल्ड्रन एक्सप्लोर अदर फील्ड्स। आप लोगों के लिए उन्होंने एक साल कहा कि नहीं चलो मैं एमडी कैट देता हूँ, अम्मी अबू कह रहे हैं एमडी कैट दो, मैं दे देता हूँ। इफ़ दे डिड नॉट परफॉर्म वेल, मे बी दैट इज समथिंग दे डू नॉट वॉन्ट टू डू, मे बी दैट इज समथिंग दे आर नॉट पैशनेट अबाउट, मे बी दे आर नॉट मेड फॉर मेडिसिन, देर आर अ लॉट ऑफ अदर ग्रेट फील्ड्स। और ऑनेस्टली मेरी बात तो पता नहीं आपके अम्मी अबू मानेंगे या नहीं, लेकिन अपने किसी रिलेटिव से बात करें जो आपसे क्लोज हो, अपने बहन भाइयों से बात करें कि आपके अम्मी अबू को मिलकर समझाएं कि यार
मेडिसिन इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, देर आर अदर फील्ड्स आउट देयर. तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आप अम्मी अबू को कन्विंस करते हैं. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आई होप यू सक्सीड इन दैट. इधर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं यार मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, DPT का क्या स्कोप है, फार्मेसी का क्या स्कोप है. ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट बिकॉज यू आर एमिंग फॉर मेडिकल और आपका नहीं हुआ, डोंट सेटल फॉर समथिंग लेस, ठीक है. बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर करें, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू. डोंट गेट मी रॉन्ग, DPT एंड फार्मेसी आर अमेजिंग फील्ड्स फॉर पीपल हु चूज दोज एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. ये तो अजीब सी बात है कि आप डॉक्टर नहीं बन सक रहे तो आप कहें नहीं मैं यही चीज़ें बन जाऊंगा. डोंट डू दैट, चूज समथिंग एल्स. अल्टरनेट करियर्स इतने ज़्यादा हैं, योर अल्टरनेट करियर डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है. इट कुड बी समथिंग एल्स, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी लॉ, इट कुड बी CA, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ और करें. इतनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, LAMS है, NUST है, IBA है, LSE है, कहीं भी अप्लाई करें, इनके टेस्ट दें एंड गो फॉर समथिंग एल्स. मे बी यू विल फाइंड समथिंग दैट यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट. और हाँ, अगर आप गैप ईयर लेके MD कैट देने का सोच भी रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं, इट डज नॉट गारंटी कि अगले साल आपका एडमिशन होगा. वैसे अगर स्टेटिस्टिकली मैं बात करूं तो बहुत सारे रिपीटर्स का एडमिशन नहीं होता. तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर आपने चलो MD कैट अगले साल देना भी है गैप ईयर लेके, तो डोंट कीप दैट एज द ओनली गोल. बाकी टेस्ट की भी तैयारी करें, अपनी अल्टरनेट फील्ड के भी टेस्ट दें, ताकि अगर आपका खुदा ना खास्ता अगले साल भी MD कैट क्लियर नहीं होता तो आप किसी और फील्ड में चले जाएं. नंबर टू, टेक द SAT एग्जाम. मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने SAT क्यों नहीं दिया था. मैं देना चाहता था SAT, लेकिन मैंने अम्मी को बताया मैंने SAT देने गई थी. तुमने क्या करना है SAT का, तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, ठीक है, आराम से ये टेस्ट दोगे, MD कैट दोगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, क्या फ़ायदा है. आई एम श्योर आप लोगों को भी अपने अम्मी अबू से यही सुनने को मिलता होगा. डू नॉट लिसन टू देम, ठीक है. चलो इस साल तो हो गया, MD कैट आपने दे दिया, लेकिन अभी जो है लर्न फ्रॉम दिस एंड टेक द SAT एग्जाम. SAT से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. अगर आप SAT दे दो, यू कैन यू इट गिव्स यू एन एज इन लिटरली एवरी यूनिवर्सिटी यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है. पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, LAMS की बात कर लें, NUST की बात कर लें, हर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, SAT जिस बच्चे ने दिया होता है उसको एक एज होता है एडमिशन में. तो डेफिनेटली टेक दिस टाइम, एक दो महीने लगाएं SAT की तैयारी करें एंड गिव द SAT एग्जाम, हैव अ डिसेंट स्कोर, इट विल हेल्प यू अलॉट इन गेटिंग एडमिशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. और ये बात पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, SAT अगर आपने दे और अच्छा स्कोर ले लिया तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी आपको अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है. बहुत सारे मेरे दोस्तों ने SAT दिया था, उनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं. सो डेफिनेटली टेक दिस टाइम एंड गिव द SAT एग्जाम. नंबर 3, टेक ऑल द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स. पूरे साल में बहुत जो है एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये हम सबको पता है. टेक देम ऑल, ठीक है. LAMS का टेस्ट दें, IBA का टेस्ट दें, AQ का टेस्ट दें, LSE का टेस्ट दें, NTS दें, NAT दें, इतने ज्यादा टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट आप दें. मैं आपको बताता हूँ टेस्ट का फायदा क्या होता है. जब आप पढ़ रहे होते हो, यू डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम डे. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सब आता है, उन्हें सब पढ़ा होता है, एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, उनके हाथ कांप रहे होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं, एग्जाम शीट सारी गीली हो जाती है और उनसे नहीं सॉल्व होता, बिकॉज दे आर वेरी एंग्शियस, दे आर नॉट एट पीस और उनसे एग्जाम नहीं सॉल्व होता. मैं आपको अभी की एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक कजन है उस्मान, आप जानते होंगे, उसने अभी NMD कैट दिया था और वो मुझे स्टोरी सुना रहा था. उसके हॉल में एक लड़की थी, उसने पूरा पेपर कर लिया, बबल शीट पे सारे आंसर्स मार्क कर दिए, देन शी रियलाइज्ड कि उसने गलत फिल किया बबल शीट. और गलत उसने शीट क्यों फिल की होगी, शी वॉज प्रॉब्ली नर्वस, शी वॉज अंडर प्रेशर, शी वॉज एंक्शियस, जिसकी वजह से उसने गलत फिल कर दी. उसने एग्जामिनर कहा मुझे एक नई बबल शीट दे दें, उनने उसको दे दी, शी वॉज फिलिंग इट आउट, उसने आधी भी फिल नहीं की थी कि टाइम खत्म हो गया और उससे वो शीट उनने ले ली और उसका एग्जाम वहां का वहीं तबाह हो गया. इस चीज से बचने के लिए यू शुड गिव ऑल ऑफ द डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट. इससे आपको टाइम मैनेजमेंट आती है, इससे आपको एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करना आता है, इससे आप सीखते हैं कि आप कंफर्टेबल कैसे बैठेंगे एग्जाम के दौरान, ठीक है. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एग्जाम के लिए अच्छा पढ़ लिया तो आपका एग्जाम अच्छा होगा. अगर आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है एग्जाम का, तो आप हॉल में जाएंगे, इतने ज्यादा लोग आप देखेंगे, हजारों लोग हैं, इतना ज्यादा प्रेशर है, इतने लार्ज स्केल का एग्जाम है, तो वहां के वहीं आप जो है स्ट्रेस में आ जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे और आपसे पेपर नहीं होगा. सो प्लीज टेक ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टेस्ट, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है, और आपको एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करना आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा. Definitely take all of these tests. और अगर आप इन tests में pass हो गए तो it opens up more opportunities for you, more fields for you, more options for you. आपको एक motivation भी मिल जाएगी कि यार मैं अगर ये test pass कर सकता हूँ तो मैं MD CAT क्यों नहीं pass कर सकता. So take my advice and give all of these tests while you are on this gap year. Number 4, अभी मैं बात करूँगा उन students से जो अभी FSC में या A-levels में और आगे वो सोच रहे हैं कि वो MD CAT देंगे. मैं आपको एक advice दूंगा जो काश मैं खुद भी follow कर लेता. बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे लेकिन मैं कह रहा था नहीं
यार इनको क्या पता है और ये और वो, ठीक है मैंने वो एडवाइस नहीं फॉलो की, लेकिन 2-3 years later आई एम गिविंग यू द सेम एडवाइस, प्रिपेयर फॉर योर MDCAT व्हाइल यू आर स्टिल डूइंग योर FSC और A-levels. मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नहीं यार एक साथ कैसे A-levels पढ़ूंगा या MDCAT पढ़ूंगा या FSC पढ़ूंगा या MDCAT पढ़ूंगा. ऑनेस्टली MDCAT अगर आप पढ़ोगे तो आपके बोर्ड के पेपर्स में भी आपकी हेल्प होगी, स्पेशली फॉर FSC स्टूडेंट्स. और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार आप दिन में 10-10 घंटे पढ़ो, लिटरली अगर आप 1-2 घंटे भी दिन में MDCAT को दो फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो आखिर में तैयारी शुरू करते हैं, एग्जाम के 2-3 महीने पहले जो है तैयारी शुरू करते हैं. अभी से अगर आप दिन में एक एक पेपर भी सॉल्व करो MDCAT का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पेपर सॉल्व करते हैं, एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. तो प्लीज टेक माय एडवाइस, अभी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. अगर कोई अकेडमी ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन नियर पीयर को ज्वाइन कर लो, लेक्चर्स हैं इनके ऑनलाइन, क्विजेज हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज हैं, ठीक है, क्विज जब आप एक सॉल्व कर लो आखिर में आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपकी वीकनेसेस हैं, फिर उन पे आप ज्यादा फोकस करो. जब आप पहले से तैयारी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप बाद में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे. तो डोंट वेस्ट दिस टाइम एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आखिर में मैं यही कहूंगा यार, द वर्ल्ड नीड्स मोर देन जस्ट डॉक्टर्स. अगर सब लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे तो फिर भाई इंजीनियर कौन बनेगा, लॉयर कौन बनेगा, जज कौन बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा, बैंकर कौन बनेगा. इतनी ज्यादा चीजें जो इस सोसाइटी में जिन चीजों की जरूरत है उनकी तरफ जाएं. आपने अगर ट्राई करना था MDCAT के लिए, आपने कर लिया एंड यू कुड नॉट मेक इट, दैट डज नॉट मीन कि आप ट्राई करते जाएंगे अनलेस यू बिकम अ डॉक्टर. That you can do if you are actually passionate about it. Like in the sad reality of Pakistan is कि majority of the medical students are not interested. मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं तंग आए हुए हैं medical से, literally कहते हैं कब खत्म होगा यार, कब खत्म होगा, जल्दी graduate हो जाएं. And honestly that is not something you want to do. इसी चीज़ों में फिर depression आती है, anxiety आती है और बहुत सारी और चीजें आती हैं. यू डोंट वॉन्ट टू बी अनहैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो प्लीज लुक एट अदर फील्ड्स, प्लीज डू नॉट मेक दिस द गोल. द अल्टीमेट गोल इज गेटिंग इनटू अ मेड स्कूल. नो इट इज नॉट. होल्ड ऑन, लेट मी आस्क यू समथिंग. चलो आप मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो. अम्मी अबू ने आपको कहा था कि MDCAT दे दो, आपने दे दिया और आप किसी तरह पास भी हो गए. यू गॉट इनटू अ मेडिकल कॉलेज. इट डज नॉट एंड देयर, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स. 5 साल जो है मेडिकल की पढ़ाई है, उसके बाद जो है आपकी हाउस जॉब है, उसके बाद जो है आपकी स्पेशलाइजेशन है. तो क्या आप कोई 10-15-20 साल जो है नाखुश रहोगे? यू आर नॉट गन बी हैप्पी विद वट यू आर डूइंग, यू आर नॉट गन बी हैप्पी विद वट यू आर स्टडिंग. वाई डू दैट टू योरसेल्फ? मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, प्लीज प्लीज अभी से रास्ता बदल लें. आगे जो आप डिप्रेस होंगे, यू आर नॉट गन बी हैप्पी विद योर लाइफ. एंड लुक एट ऑल दी अदर ऑप्शंस मैन, देर आर सो मेनी बेटर ऑप्शंस. अगर आप नहीं पास हुए, इट इज ओके, दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू से. यार मुझे पता है बहुत प्रेशर होता है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, ये सिर्फ हमारे माँ बाप की गलती है, हमारे रिश्तेदारों की गलती है. हाँ तुम्हारा बेटा पास नहीं हुआ, यार मेरे बेटे को तो जो है 190 marks आए हैं. इस तरह ही बातें होती हैं जिससे हम डिप्रेस होते हैं. तो प्लीज डोंट डू दैट टू योर चिल्ड्रन. And let them choose what they want to do. And I gave you a lot of options in this video. I hope you got helped. सही है. Honestly, ये video बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि a lot of people don't like it when I make study content. लेकिन I genuinely wanted to help you guys क्योंकि मुझे पता है ये कितना depressing time होता है. Move on from this and come back stronger. Doesn't have to be in medicine. Could be something else. Could be something better. Be the best at it. एक favor मैं आपसे मांगूंगा. Share this video with anyone you know who took the MDCAT this year. और अनफॉर्चुनेटली उनका अच्छा स्कोर नहीं आया, उनको ये वीडियो प्लीज़ दिखाएं. आई होप इट हेल्प्स देम, आई रियली डू. दैट इज़ ऑल आई एम गोना से. चेक आउट नियर पीयर इन द डिस्क्रिप्शन. दे स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो ऑब्वियसली, लेकिन आई पर्सनली हैव सीन इट एंड इट्स अमेजिंग. तो अगर आप तैयारी करना ही चाहते हैं MDCAT की दोबारा से, तो उनका अर्ली प्रिपरेशन कोर्स है, वो जाके आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी. एंड दिस इज़ गोना बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.